जम्मू कश्मीर के सड़क हादसे में अब तक 22 लोगों की हुई मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। हाथरस डीएम के निर्देश पर हाथरस प्रशासन की टीम जम्मू कश्मीर के लिए हुई रवाना। मृतकों और घायलों की जांच के लिए बनी प्रशासनिक टीम, एसडीएम, पीटीओ, एआरएम, एसएचओ, लेखपाल, नायब तहसीलदार जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ा हादसा हुआ, श्रद्धालुओं की मौत हुई। खाई में बस पलटने से 22 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई, 69 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस के मुरसान से वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, शिवखोड़ी में जा रही थी बस 150 फीट नीचे खाई में गिरी। अखनूर में जम्मू कश्मीर में पुंछ हाईवे पर हुआ हादसा, हाथरस के डीएम ने जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए टीम का किया गठन। चला है कि जम्मू में अखनूर में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और ये बस हाथरस की बताई जा रही है और इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें डेथ्स भी हुई हैं और कुछ लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। तो इस बारे में डीसी जम्मू से बात कर ली गई है, वहाँ की टीम से हमारी टीम पूरी कॉन्टैक्ट में है और अभी एक नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बना दी गई है जिसमें एआरएम, पीटीओ और एसएचओ, एसआई वगैरह हैं और कुछ लेखपाल जो संबंधित क्षेत्र के हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। तो ये टीम वहाँ की टीम से कांटेक्ट करेगी जिससे जो भी समय मदद है वो की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया है जो हम ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के तथा जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी सब जगह हम सर्क्यूलेट कर रहे हैं। उसका नंबर 0572227041 और 227042 है। तो इस पर यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ से कोई जम्मू गया हुआ है तो वो फ़ोन करके सूचना दे सकता है या सूचना प्राप्त कर सकता है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है और जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है।